ये अपनी दरगाह है और जब डेथ होती है ना तो यहीं पे लेके आते हैं। अरे दे दो दे दो, अरे दे दो यार, दे दो दे दो। और निकलने के बाद में ये कुछ माहौल है हमारे यहाँ का कैमरे के सामने। So guys, now we got ready and अपनी चाय हो रही है, सेकंड चाय। पहले चाय मैं पी चुका हूँ तो अभी अपने को तैयार तो हो चुके हैं और अभी अपने को ओला लेके निकल के चलना है बस ओनली फॉर। कल का व्लॉग नहीं आया था मेरे को पता है, सो सॉरी उसके लिए। तो अभी फटाफट चाय फिनिश करते हैं और ओला लेके निकलते हैं यार यहाँ से। So guys, निकल चुके हैं मंजिल की तरफ, 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलना है। ये क्या हो रहा है इधर, ये क्या हो रहा है पता नहीं भाई। आशिकी हो रही है आशिकी यार। सुबह सुबह का मौसम होता है ना मस्त वाला लगता है यार, जब सनराइज का टाइम होता है ना तब और भी ज्यादा मजा आता है। वैसे तो हम आज लेट हो चुके हैं, टाइम क्या हुआ 8:30 बज चुके हैं भाई, आधा घंटा लेट हो चुके हैं क्योंकि ना आज मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी शॉप जाने का। मैंने सोचा ना वो भाई चला जाए तो बेस्ट है, फिर मैंने कॉल ही नहीं किया उसको। और आज जल्दी आने वाले, आज थोड़ा बहुत इधर उधर जाएंगे घूमने के लिए बस। 7:00 काम कंप्लीट हो चुका है और अभी अपने ना फ़ोन कर दिया मेरे भाई को, वो 12 बजे आएगा यहाँ पर। तो 12 बजे तक अपने को यहीं पे वेट करना है, टिफ़िन विफिन कुछ भी नहीं लेके आया मैं यहाँ पर। तो अभी 12 बजे जाके घर पे खाना खाना है, थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करके आया हूँ मैं घर से। तो अभी बस वेट करना है और कुछ नहीं करना है। 1 बज चुके हैं और अभी अपने को निकलना है और ये पार्सल भी आ चुका है तो सब कुछ लेके निकलना है अपने को। अभी पहुंच चुके घर पे और अभी सबसे पहले खाना हो रहा है तैयार अपना, और खाना खाना है सबसे पहले तो खीर आ चुकी है। तो अपना खाना आ चुका है, अभी खाना फिनिश करना है। खाना हो चुका है और अभी अपने को जाना है दरगाह, यहाँ से ना 1.5 किलोमीटर दूर जाना है अपने को। अभी ओला को उठा के लेके चलते हैं। ये रोड है ना बहुत वाइड है यार, बहुत ही मस्त वाली राइड हो रही है यार। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दरगाह पे, अभी अपने को अंदर की साइड में एंट्री लेनी है। फूल फुलैया वाला रास्ता, ये अपनी दरगाह है और जब डेथ होती है ना तो यहीं पे लेके आते हैं। यार धूप ना बहुत मस्त वाली है यार, इस वजह से हालत ख़राब हो रही है। मेरे को इस साइड में जाना है, पीछे की साइड में मेरे को ना मेरी मदर की दरगाह पे जाना है। ये जो सारी दरगाह दिख रही है ना हमारी फैमिली की है। सो गाइस एक अपना ट्राइपॉड मंगवाया था वो आ चुका है, एयर इन्फ्लेटर है जो ख़राब हो गया था तो दूसरा मंगवाया मैंने। फारिश की सीट पर आ चुकी है, अभी आएगी कि नहीं आएगी उसके बड़ी नहीं रहेगी। एक्चुअल में ना फारिश तो है नहीं यहाँ पे और उसकी स्लिप पर आ चुकी है। हम वेट कर रहे थे उसके सामने खोलने की बट वो है नहीं यहाँ पर, आज आने वाला नहीं है। तो फिर हमने कहा यार खोल के देख लेते हैं कैसी है। जा रहा हूँ अपनी मौसी के घर पे क्योंकि ना फारिश वहीं पर है और रेशमा को भी छोड़ना है वहाँ पर। तो अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट, हम पहुँच चुके हैं अपनी मौसी के घर पे। दूध पी रहे हो? अरे थोड़ा सा दे दो, अरे दे दो दे दो, अरे दे दो यार, दे दो दे दो। अरे मेरे को पीना है यार, दूध पीना है। अरे मेरे को दूध पीना है। क्या है ये, क्या है? खोलो भाई, बस जोर से पकड़ यार। कपड़े मस्त पहने तूने यार आज, बड़ी है थोड़ी। सभी निकल चुके हैं अपने मौसी के घर से और निकलने के बाद में ये कुछ माहौल है हमारे यहाँ का। ये लोग ना गणेश जी का विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं आगे, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे। भाई कितना ट्रैफिक है यार इस रोड पे, हमेशा कभी नहीं होता इतना। रोड वहाँ पर रह चुकी है और अपने को साइड से होके जाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यार। जाने दो यार, पूरे रोड पे कब्जा कर लिया। इससे अच्छा पीछे वाली रोड से आते हैं ना तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलता अपने को। अभी पहुंच चुके घर पे और घर पे कोई भी नहीं है, लॉक लगाया हुआ है। अभी ना मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको कॉल कर दिया, वो बोल रहा है चलते हैं यार होटल पे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो अभी फटाफट वापस से लॉक लगाता हूँ, निकलता हूँ लाइटिंग वगैरह करके बाहर, फिर निकलता हूँ। खाना आ चुका है, मटन है आज और खीर है, सुबह वाली खीर है ना। को ना ये बात समझ नहीं आता, कैमरा देख के कुछ लोग भाग जाते हैं यार, भूत है शायद कैमरे में। व्हाट्स अप गाइस, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई बताओ। राइडिंग करके आया हूं। नहीं राइडिंग अभी रात को, कौन सा राइडिंग होती है बता दो। अरे ये ड्यून्स क्या होता है धोरो के अंदर, दोरा में दोरा में सलाम आ रही है तेरे को। मेरे को कैमरे के सामने आज तक शर्म नहीं आई, तो आज अच्छा कैमरे के सामने शर्म नहीं आती क्या? मेरे को बहुत आती है सच में। पहले आती थी मेरे को, तेरे को याद है आपका फर्स्ट ब्लॉग देखा था जब, एक बार रूम के अंदर बंद करके यहाँ पे बैठ के इसी जगह पे
कैमरे के सामने एक बार 50 बार बोली थी। सही बात है। सो गाइस सही बोल रहा है ये, एक बात को मैंने 50 बार बोला तब भी सही नहीं हुआ, वो भी वो फर्स्ट व्लॉग मैंने डिलीट कर दिया वैसे तो, क्योंकि एकदम घटिया था यार व्लॉग में आपने एक लाइन बोली फिर से बंद कर दिया। हाँ। एक लाइन बोली फिर से बंद कर दिया, गेट कोई बजाता तो फिर मैं गुस्सा आता था लग। सबसे ज्यादा गालियां तूने खाई थी ना, तूने खाई थी सबसे ज्यादा गालियां है ना, क्योंकि बार बार आता और बजाता और दांत में खाता। मैं कहता नाच लिया क्या कर रहे तू। सो गाइस जितना एंजॉय करना था, जितना टाइम पास करना था सब कुछ कर लिया, और शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, 8:30 बज चुके हैं। अभी अपना क्या काम है कि एडिटिंग करना है, बस वही काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है भाई, पर करना पड़ेगा, एडिटिंग करना है और बस सोना है, यही काम है। आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, और कल व्लॉग नहीं आया उसके लिए सो सॉरी है, बट आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, बाय।